हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको एक अदर वेबसाइट आप उससे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो सबसे पहले आप करना क्या है, सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना टेकबेंच। टेकबेंच आप जैसे ही टाइप करके इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ सबसे ऊपर आपको देखिए दिखा रहा है टेकबेंच बाय WZTRG@gardner.net। इसको आपको ओपन करना है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप, वर्जन, एडिशन, लैंग्वेज और फाइल। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप को सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो फाइनल, विंडो इनसाइडर, ऑफिस है, अदर प्रोडक्ट है, फिर टेकनेट है, ESD है, फिर वर्चुअल मशीन है। तो आप मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर यहाँ पे अब ये वर्जन पूछ रहा है, तो वर्जन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अब एडिशन के बारे में पूछ रहा है कि आपको बिजनेस चाहिए, होम प्रीमियम चाहिए, प्रोफेशनल प्लस चाहिए। मैं प्रोफेशनल प्लस कर देता हूँ। फिर यहाँ लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज जनरली ये मैक्सिमम हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं अब हम फाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे जब फाइल्स पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये O365 Pro Plus रिटेल इमेज की जो फाइल है वो दिखाएगा। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइल की पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये फाइल कब अपलोड हुआ है, कितने बजे अपलोड हुआ है, फाइल की साइज क्या है, डाउनलोड कितना हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 18, 74, 75 ऐसे डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे इसकी हैश की भी प्रेजेंट है, ये जो हैश की है इसकी, ये भी प्रेजेंट है। तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। और ये डायरेक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से ही एक्सेस करके जो लिंक है प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डाउनलोड ये दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे जनरली कुछ नहीं करना अगर ये नहीं काम कर रहा है तो। आपको यहाँ फंक्शन की के साथ F5 को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड करना नहीं है। और फिर आप अगर डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आप फंक्शन की का जो F5 है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में हम फंक्शन की के साथ F5 का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट या फिर आपको विंडो डाउनलोड करना है या फिर जो भी डाउनलोड करना है वो इस वेबसाइट के थ्रू कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।